गाजी इलमदीन शहीद ने जोगी राजपाल को कत्ल किया था। अदालत जाकर दरखास्त दी थी कि सीधा खंजर मारा था। बोलो गाजी चिट्टा अनपढ़ ते ना सी इलमदीन, चिट्टा अनपढ़ ते ना किए। वाह गाजी इलमदीन। किसी ने बताया एक बाबा रो रहा है मस्जिद में, उसने कहा क्या हुआ? तो बाबा जी कहते हैं बूढ़ा हो गया हूँ, हिंदू ने हिंदू राजपाल जोगी ने नबी पाक की गुस्ताखी किया, काश मैं जवान होता तो जालम की गर्दन काट देता। तो घर गया है, पैसे लिए अम्मा से। अम्मा कहती है तू तो खर्चा करता ही नहीं, ना तेरा सिगरेट ना पानी, क्या हो गया? काम अब पच्चा ही है, खंजर लिया, उसको खंजर को छुपाया और राजपाल जोगी को कत्ल किया। खुद जाके थाने गिरफ्तारी दे दी, पहले लाहौर की जेल में रखा। एक दरवेश रहता तमिया वाली में, मजदूर, सारी जिंदगी बोला नहीं वो। प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने किताब लिखी है गाजी इलमदीन के हालात में, वो कहते हैं सारी उम्र वो मजदूर बोला नहीं। लाहौर में जब अंग्रेज गवर्नमेंट को खतरा हुआ ना कि मुसलमान दीवारें तोड़ के गाजी को निकाल के ना ले जाए, तो मियांवाली मुंतकिल कर दिया। वो मजदूर सारी उम्र नहीं बोला, गाजी साहब चले ना जब, उसने नारे लगाने शुरू कर दिए और झाड़ू दे के मियांवाली की सड़कें साफ करनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहने लगा मुस्तफा का आशिक आ रहा, रसूलुल्लाह का शिकारा है, महबूब का शिकारा है, सड़कें धो रहा है। लोग कहते तू तो बोलते नहीं। कहने लगा तुम्हारे लिए नहीं ना बोलता, बंदा बड़ा कमाल है, उसके लिए बोलना पड़ गया है, मुझे बोलना पड़ गया सड़कें। फिर कहने लगा दो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या वो रहेगा या मैं रहूंगा, एक शहर में दो आशिक कैसे रहेंगे? ये बात कही। उधर गाजी इलमदीन की सवारी मियां वाली पहुंची, उधर वो मजदूर फौत हो गए। गाजी साहब जेल में थे और जालिमो ये कहने वालों कि ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर शख्स ने बनाया, मोहम्मद अली जिना खुद जेल में गए, मोहम्मद अली जिना खुद जेल में गए। इकबाल के हालात में लिखा है कि मोहम्मद अली जिना को इकबाल ने मजबूर किया, गए खुद जेल में गए। और गाजी इतना सादा था, पूठा छापता, ना कुरान शरीफ नागरा पढ़ा, ना कोई और बात पढ़नी आती। कायदे आजम ने उर्दू में बात की तो गाजी कहने लगा जिना साहब मुझे उर्दू नहीं आती, कोशिश करके पंजाबी बोलो, कोशिश करके पंजाबी बोलो। तो मोहम्मद अली जिना कहने लगे अगर तू एक बारी कह छे ना काम मैं नहीं कीता, तू बस इना कह दे मैं कीता ते तेनू मैं फड़ना ते मुल्कां दे मुकदमे लड़ना ते जित जाना, तू एक बारी कह दे ते मैं काम, बोलो बोलो मैं काम नहीं कीता ते तेनू फड़ दुनिया की ताकत ला सकदी। ते कहने ने कायदे आदम दा हाथ फड़ के ना सजा अपना भी हाथ, कहने लगे सलाम अलैकुम तुसी जाओ चंगी सलाह देन आयो, एक ही ते काम कीता ओदे तो भी मुकर जा, एक ही ते काम कीता ओदे तो भी मुकर जा, जाओ अपना काम करो तुहाडी लोड़ काई ना। अमीर मिल्लत पीर जमात अली मुहद्दसे अली पुरी चले, ताजदारे गोलड़ा हजरत शेख वक्त पीर सैयद मेर अली शाह साहब गए मिलने, हजरत काजा शमसुल आरिफीन सियाल भी गए जेल में मिलने। तो गाजी साहब ने आ चुमे का ओ सैयद दादो, मैं अनपढ़ भी, मैं गरीब भी, तुम मेरे पास मिलने आ गए हो, अच्छा बड़ी बंदा नवाजी आए हो, तो कोई बात ही सुनाओ। तो पीर जमात अली शाह साहब बड़े पक्के हाफिज थे, कहने लगे तू कैद में, हजरत यूसुफ भी कैद में थे, तुझे सूरत यूसुफ ने सुनाए? तू कैद में, यूसुफ ने भी कैद काटी है, तुझे सूरत यूसुफ ने सुनाए? गाजी साहब कहने लगे सुनाओ। तो पीर साहब ने पढ़नी शुरू की तो रोना भी शुरू कर दिया, पढ़नी शुरू की तो रोने लगे। तो जब रोए हिचकी बदी तो गुजेर जबर लफज आगे पीछे हो गया, अनपढ़ गाजी जिसने पढ़ाई कुछ नहीं। पीर साहब से कहने लगा हुजूर गलती लग गई है जरा सही करके पढ़े, गलती लग गई है जरा सही करके पढ़े, तलावत रोक दी। सादा कल्ला कहने लगे और तू तो पढ़ा ही नहीं, तूने नजर वाले थे ना तीनों, पढ़ा ही नहीं, सच्ची बात कर, खोल के बात कर क्या है? तो गाजी इलमदीन कहने लगा तुसी बुजुर्ग हो, तुसी ना होंदे तो मैं कदी ना दसदा, तुसा सारे फट्टी ते बह के हाफज कोल पढ़िया है, ते इत्थे जदों राती नेरा पैंदा जे मदीने वाला चन्न आपे आ जांदा है, तुसा फट्टी कोल पढ़े है। मेरे अजीजो गाजी साहब कहने लगे मैंने तो रसूलुल्लाह से पढ़ा है ना, मैंने तो बद्दुआ वाले नबी से बद्दुआ सूरत पढ़ी है, मैंने यासीन वाले नबी से सूरत यासीन पढ़ी है, मैंने तो सारा कुछ पढ़ा है ना। गाजी इलमदीन का जनाजा उठा तो लोग कहते हमने देखा कि 90-90 साल के बूढ़े पीर भी नंगे पैर चल रहे हैं, नंगे पैर, और मिन्नतें कर रहे हैं जरा हमें मौका दे दो इसके जनाजे को कंधा तो दे दे, जरा मौका दे दो जनाजे को कंधा तो दे दे। कहते हैं जनाजा पढ़ के तो अल्लामा इकबाल ने दुड़की लगा दी, डॉक्टर इकबाल ने
दौड़ना शुरू कर। इकबाल दौड़ते 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 जनाजा पढ़ते ही कब्र में पहुंचे गाजी इलमदीन की, तो लोगों ने कहा इकबाल बूढ़ा आदमी है, गिर जाए। कहने लगा चुप करो, बाकी सादते सबको मिल गई है, इसको दफन मैंने करना है, इसकी कब्र में मैं पहले उतरूंगा। इकबाल ने रखा ना जब हाथ पे, तो इकबाल की चीख निकली, रो के कहने लगा इलमदीन तू नंबर लै गया, मैं शेर ही लिखता रह गया, तू तो नंबर लै गया, मैं शेर ही लिखता रह मेरे